दोस्तों मान लीजिए आज से 30 साल पहले आपके पास 10,000 रुपये आए होते और आपने उसको खर्च ना करके इक्विटी स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड में निवेश कर दिया होता, तो आज 2020 में उस निवेश की वैल्यू कितनी हो चुकी होती। दोस्तों ये मैं अभी आपको एक एक्सेल में कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा कि उस निवेश की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी होती। दोस्तों बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपका बी यू आइज़न वेल्दी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपने अगर हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं हमारी कैलकुलेशन पे। तो दोस्तों मान लीजिए आपने गोल्ड और सेंसेक्स में निवेश किया होता अपना रुपया, और किस ईयर में, 1990 में आपने किया होता, और आज आपको उसकी वैल्यू जाननी है तो वो देखते हैं कितना होता। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा दोस्तों गोल्ड की वैल्यू कितनी थी 1990 में। यहाँ मैंने पहले से निकाल के रखी है, गोल्ड की वैल्यू 1990 में थी 3200। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 1990 में 3200 गोल्ड की प्राइस थी, और आज उसकी वैल्यू कितनी है ये भी देख लेते हैं टुडे। तो दोस्तों आज गोल्ड की वैल्यू है 54,025। तो हम इसको राउंड फिगर में 54,000 लिख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों सेंसेक्स की वैल्यू 1990 में कितनी थी। यहाँ पर देखते हैं सेंसेक्स की वैल्यू, यहाँ पर हम मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम ग्राफ पता चल जाए और 1990 में उसकी वैल्यू कितनी थी वो पता चल जाए। यहाँ देखिए दोस्तों 1990 में 25 जनवरी को 25 जनवरी को थी वैल्यू 716। हम यही वैल्यू लेते हैं 716, इसको राउंड फिगर में हम 715 ले लेते हैं, और आज की वैल्यू ये आपको दिखी रही है, आज की वैल्यू 38,506। तो हम ले लेते हैं 38,500। अब चलिए देखते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100, और सेम वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर आपके कितने रिटर्न जनरेट हुए हैं। अगर आपने 10,000 रुपये 1990 में लगाए होते और 2020 में आपके पास 1600% के रिटर्न होते गोल्ड में, और सेंसेक्स में वही रिटर्न आपके होते 5,384 के। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते गोल्ड में और सेम लगाए होते आपने सेंसेक्स में, यहाँ गोल्ड यहाँ सेंसेक्स, तो आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी होती 10,000 की। चलिए देखते हैं, हम लेंगे यहाँ पर ये रिटर्न डिवाइड बाय 100, सेम गोज विथ सेंसेक्स। तो देखिए दोस्तों 10,000 की वैल्यू हो गई होती है आपकी 1,68,750, और सेंसेक्स में आपने लगाए होते तो यही वैल्यू होती आपकी 5,38,462। दोस्तों देखिए फ़र्क देखिए आप। चलिए दोस्तों एक वैल्यू और निकालते हैं इसकी, इसकी CAGR वैल्यू देखते हैं हम, इसने पर ईयर कितना रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है, CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। चलिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू एंड वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उसने हैं 1990 से 2020 30 ईयर्स, एंड माइनस वन। दोस्तों इसके रिटर्न निकले हमारे 10% एनुअल, कंपाउंडेड एनुअली हमको गोल्ड ने 10% के रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने दिया हमको 14% के रिटर्न। तो दोस्तों 4% का फ़र्क पर ईयर 30 सालों में, और यहाँ देखिए आप ऑलमोस्ट 5 गुना 4 गुना पैसा आपको ज़्यादा मिला यहाँ पर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गोल्ड में अगर आपने 10,000 रुपये उस टाइम लगाए होते और सेंसेक्स में लगाए होते तो वैल्यू का डिफरेंस देख लीजिए आप।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले और भी वीडियोस में हम ऐसा एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।